यहाँ पे देखना लेजेंड्स, जो चीज होती है ना उस चीज के होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। हाँ बन गया सामने, मारा इसको भाई कैसा। अच्छा वो कैसे कितना अच्छा हम लोग गेम की होते मारते वन टू थ्री मारते हैं साला उसी में। अब अगर यहाँ पे रेकलेस और इशू की बात को साइड रखे तो यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों उस मिराज के डिकॉय को शूट किया। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो लेजेंड्स, जिस मोमेंट से एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल लॉन्च हुआ है उस टाइम से सब लोग एक ही लेजेंड का सबसे ज्यादा इंतजार करते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है रेवेनेंट। और जब एपेक्स मोबाइल में लोबा लेजेंड इंट्रोड्यूस हुई थी तो मेरे साथ काफी सारे प्लेयर्स सरप्राइज थे कि यार लोबा एपेक्स गेम्स को रेवेनेंट से बदला लेने के लिए ज्वाइन करती है, बट एपेक्स गेम में अभी तक रेवेनेंट ही नहीं है तो फिर लोबा किस लिए आई है इस गेम में। क्योंकि देखो, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, लोबा और रेवेनेंट लेजेंड के बीच में एक राइवलरी है। बट अगर आप इस रेवेनेंट लेजेंड से फैमिलियर नहीं है या फिर आपने इस गेम का क्लोज बीटा खेला नहीं होगा तो आप मे भी वंडर कर रहे होंगे कि यार ये कौन है रेवेनेंट लेजेंड और क्यों मैक्सिमम प्लेयर्स इसका वेट कर रहे हैं। तो देखो, अगर बात करें इसकी एबिलिटीज की, जिसमें कि काफी सारे लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो पैसिव एबिलिटी में रेवेनेंट क्राउच करते हुए काफी जल्दी से चल सकता है और इसी के साथ नॉर्मली जितने भी सारे लेजेंड्स एक लिमिटेड हाइट तक वॉल क्लाइंब करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर रेवेनेंट की वॉल क्लाइंबिंग की हाइट काफी ज्यादा है और देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसकी पैसिव एबिलिटी इसकी 50% पावर बन के रह जाती है, क्योंकि इस गेम में क्राउच करने के बाद आपके फुटस्टेप्स बिल्कुल नहीं आते और यहाँ पे हमारे रेवेनेंट लेजेंड क्राउच करते हुए भी नॉर्मल स्पीड से चल सकते हैं और जो इसकी वॉल क्लाइंबिंग हाइट है उसकी मदद से सामने वाले एनिमीज कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि रेवेनेंट यहाँ से भी आ सकता है। और अगर आप लोगों ने इसका क्लोज बीटा खेला था तो आप लोगों ने इस चीज को जरूर से नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें बहुत ही जल्द रेवेनेंट देखने के लिए मिलने वाला है इन गेम। और अगर बात करें इसकी टैक्टिकल एबिलिटी की, तो इस एबिलिटी का नाम है साइलेंस, जहाँ पे एनिमीज पे बॉल वाली चीज फेंक के उनको अपनी एबिलिटीज यूज करने से रोकता है 10 सेकंड्स के लिए। तो जैसे कि कुछ मैचेस में से होता है कि रेत आपके ऊपर रश करती है और आप उसको 1 HP तक छोड़ देते हो, फिर देन वो तुरंत ले अपनी फेज इन करके चली जाती है। बट अगर आप रेवेनेंट यूज करते हो तो आप सामने वाले किसी भी लेजेंड को अपने एबिलिटीज यूज करने से रोक सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता रहेगा कि एपेक्स लेजेंड्स में मेजोरिटी आउटप्ले आप अपनी एबिलिटीज की मदद से कर सकते हो, और अगर सामने वाले लेजेंड्स अपने एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते फिर देन उनके लिए नॉर्मल BR गेम बन के रह जाएगी उस 10 सेकंड्स के लिए। और अगर बात करें इसकी अल्टीमेट एबिलिटी की, तो इसको मैं सस्ता रिस्पॉन वीकन बोलता हूँ। हालांकि आपको भी रिस्पॉन नहीं करता, बट इसके अल्टीमेट पूरी टीम यूज कर सकती है, जिसकी मदद से आपको और आपकी टीम के ऊपर एक डेथ का प्रोटेक्शन रहता है। और इससे होता है कि मान लो इसके अल्टीमेट यूज करके आप किसी टीम से फाइट ले रहे हो और उस फाइट में आप हार जाते हो तो आप उस समय नॉक नहीं होंगे बल्कि सीधा वापस इस टोटेम के पास आके स्पॉन हो जाओगे। और अगर अल्टीमेट एबिलिटी सिर्फ रेवेनेंट तक सीमित रहती तब तो एटलीस्ट सही रहता, बट यहाँ पे इसकी पूरी टीम इसको यूज कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है और मजा आता है सेम रेवेनेंट को खेलते वक्त। और शायद से आपको पता चल चुका है कि क्यों सारे लोग इस लेजेंड का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। सो ये कोई ओवर हाइप लेजेंड नहीं है बल्कि एक ऐसा लेजेंड है विच इज वर्थ फॉर वेटिंग। तो क्या यहाँ पे आप लोग रेवेनेंट के लिए एक्साइटेड हो? और यहाँ पे मुझे एक्साइटेड से याद आया, अभी करंटली एपेक्स मोबाइल में अरिनाज वापस आ चुके हैं, जहाँ पे मल्टीप्लेयर सेक्शन में आपको एक गेम मोड देखने के लिए मिलेगा जो कि बस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और अगर आप लोग भी एपेक्स मोबाइल में इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये मोड प्रैक्टिस करने के लिए काफी बढ़िया मोड रह सकता है आपके लिए, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे TDM की तरह अनलिमिटेड रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलते, सो हर एक राउंड में आपके पास एक चांस रहता है जैसे कि नॉर्मल BR मैचेस में होता है। और दूसरी बात, हर राउंड के स्टार्ट होने से पहले आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ आइटम्स परचेस करके उनसे फाइट करनी होती है, और यही चीज इस मोड को काफी ज्यादा चैलेंजिंग बनाती है, क्योंकि आपको लिमिटेड गन्स के साथ बिना किसी अटैचमेंट से इन मैचेस को जीतना रहता है और हर एक राउंड के साथ आप ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। और सच बताओ तो ये 3v3 फाइट्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही मोड है, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें अनलिमिटेड रिस्पॉन्स नहीं होते, दूसरी बात ये इस मोड के साथ आप अपनी टीम सीनर्जी बढ़ा सकते हो और समझ सकते हो एक दूसरे की गेम स्टाइल कैसी है और उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इवन ये 1v3 फाइट्स प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया मोड है, क्योंकि फायरिंग रेंज में स्टिल डेमीज को मारने से अच्छा है इन रियल प्लेयर्स के साथ फाइट करो। हालांकि वो बात अलग है कि इसमें कभी कभार बॉट्स आ जाते हैं और जो फायरिंग रेंज में हमें बॉट्स देखने के लिए मिलते हैं उनका एम असिस्ट काफी ज्यादा हेवी है। सो अगर आप अपना गेम प्ले इंप्रूव करना चाहते हो एपेक्स मोबाइल में तो आप ये मोड को जरूर से ट्राई करना, और याद रखना ये लिमिटेड टाइम के लिए आया है तो इसके बाद पता नहीं वापस से कब आएगा। और जितना कि मुझे याद है ये लास्ट टाइम Season 1 में आया था। और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो लाइक करके जाना। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।